श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ षड्विशोध्याय। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरिया, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपने प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष्यबाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसके मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्म से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करने थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त हृदय में आनंदित मत से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन रही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से हो न? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसीलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखी हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसीलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भोवे से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमय चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा मुख
मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय हो, आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रु से भीगा तथा बिंबफल सदृश अधरों की स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। व्यसनवश तुमने बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसीलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझ कर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। हरे कृष्णा।